असरे थम जाओ, थम जाओ साथियों, थम जाओ। सम्मानित किसान साथियों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, चेयरमैन साहब, हमारे सरपंच साहबान, पूर्व सरपंच साहबान, हमारे जिला परिषद मेंबर जी, पार्षद जी, पूर्व पार्षदगण, पंचायत समिति मेंबरगण, पूर्व पंचायत समिति मेंबरगण, हमारे चोन प्रभारी साथी, सह प्रभारी साथी, यूथ ब्रिगेड के साथी, एसएफआई के साथी और तमाम संगठनों के साथी जो हमारे साथ इस चुनाव अभियान में लगे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, इस्तकबाल करना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों कि आप चप्पे चप्पे में हमारा वोट और साथियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक के तन पर सोने के तार जड़े, एक के तन पर सूत का तार नहीं, मैं इसलिए बगावत करता हूं, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं, ये न्याय मुझे स्वीकार। इस धारणा के साथ कॉमरेड सुप्रत चिमूर हेतराम बेनीवाल की जोड़ी को देख करके किसानों के मुद्दों पर एसएफआई के संघर्ष से शुरू हुए 16वीं विधानसभा के आपके उम्मीदवार हम बलवान पूनिया आपसे एक बार फिर फखर के साथ कह रहे हैं कि धन्य है भाजरा की जनता, धन्य है भाजरा का नौजवान और किसान, धन्य है भाजरा की माताएं बहने जिन्होंने इस नाचीज को, छोटे से किसान के बेटे को 15वीं विधानसभा में भेजा और 15वीं विधानसभा में हमें बोलने का मौका दिया। दोस्तों, हमने 15वीं विधानसभा में किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, दलितों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, आदिवासियों की अनेक समस्याओं को उठाया और न सिर्फ उठाया, उनको पूरा कराने का काम करा। आज उसी का परिणाम है कि लाखों लोगों का सैलाब उमड़ करके आया। पूरी भाजरा के लोग लाल झंडे में पिरोए गए, उसकी वजह ये है कि आपका प्यार, हमारा समर्पण। मैं कॉलेज गिनाऊं, मैं स्कूल गिनाऊं, मैं सड़क गिनाऊं, मैं बीमा गिनाऊं, मैं हॉस्पिटल गिनाऊं, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र गिनाऊं, मैं सीएचसी गिनाऊं, मैं पीएचसी गिनाऊं, मैं उप जिला अस्पताल गिनाऊं, मैं पुलिस की लूट से लोगों को बचे हुए लोगों को गिनाऊं, उससे पहले मैंने इस तहसील को तीन चीजें दी हैं। मैंने मेरा समय 24 घंटे इस जनता को दिया, मैंने समर्पण भाव से इस जनता के बीच काम करा। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे किसी भी परिजन का कोई काम, कोई धंधा, कोई बिजनेस इधर नहीं है, इधर खाली एक चीज है, आपके प्रति लगाओ, आपके प्रति जुड़ाओ, आपके प्रति झुकाओ और 24 घंटे हम समर्पित भाव से आपके लिए लगे हुए हैं। बात आई त्याग की, मैं सुनता था जब गांव गांव जाता, अमेले नहीं था तो मैं सुनता था, लोग कहते थे कि बलवान जब हाथ लग जाए किसी को सत्ता, या कोई चुनाव जीत जाए, या फिर कुछ हाथ लग जाए, कोई नहीं बचता, सब जुगाड़ कर लेते हैं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने किया है जुगाड़, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका समय, मैंने जुगाड़ करा। मैंने संपत्ति नहीं कमाई, मेरी संपत्ति तो ये जनता है। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने यही सिखाया। मुझे रफीक भाई एक दिन पूछ रहे थे जयपुर में, बलवान पूनिया कम्युनिस्ट पार्टी में कैसे आया। मैंने कहा कॉमरेड सुप्रत सिंह और हेतराम बेनीवाल 2002 के किसान आंदोलन में थे। एक बंदा 4 बार एमपी रहा हुआ, एक बंदा एक बार एमएलए रहा हुआ। सुप्रत सिंह 1 बार एमपी और 4 बार एमएलए रहे थे। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, किसानों की लड़ाई,
20,000 लोग जलसे में, रात को रुकने की बारी आ गई। सोमपत सिंह कह रहे थे तू रुक, तू घर जा, और एतराम जी कहते तू घर जा, दोनों लड़ लड़ा के 12 बजे हमारे पास वहीं सो गए। सोमपत जी एक बात कहते थे, किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। दोस्तों उसी बात ने हमें मोह लिया, हम लाल झंडा पकड़ के खड़े हो गए। जिंदगी का वो फैसला हमें विधानसभा की दहलीज तक लेके गया, जिंदगी का वो फैसला हमें प्यार प्रेम की राजनीति तक लेके गया। आज मेरे मंच पर 36 बिरादरी के लोग हैं। अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं होता, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चीजें घुस जाती। जो प्यार प्रेम जनता के प्रति, जो स्नेह गरीब के प्रति, जो स्नेह और त्याग किसान के प्रति, जो समर्पण जनता के प्रति आया, ये इस लाल झंडे का परिणाम है कि हम आपके हो लिए, आपके दीवाने हो लिए। एक बात कहते हैं कि हम तो दिल दे चुके, हम जनता को पूरा दिल और समय और जिंदगी दे चुके हैं, ये उसी का परिणाम है। मेरे विरोधी कह रहे थे कि यार संहिता लगने दो, लोग आप पर जूते बरसाएंगे। हे विरोधियों देख लो, हम पर फूल बरसाए जा रहे हैं, हम पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने जनता का माल खाया, हमने उनकी रिवाज बदल दी। वो थानों में लुटेरे बिठाते थे, वो अपने लोगों को दलाल बनाते थे, हमने नेता बनाया है। मेरे से पहले कवि बोल के गया है, कवि लंबा, ऐसे गरीब घर का छोरा जिसका घर आज भी मेरी तरह जीर्ण शीर्ण है, ऐसे गरीब घर का छोरा जिसके घर खेती के अलावा दूसरा धंधा नहीं, पर विद्यार्थी के लिए लड़ाई संघर्ष मुख्य मुद्दा है। साथी बलवान फगेड़िया, मेरे साथ 23 साल से लगातार, हमारे पास संपत्ति जनता की है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हम विधानसभा में 2004 के बाद जो आपके बेटा बेटी नौकरी लगे उनके लिए विधानसभा में हम लड़ पाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से ओपीएस की हां भरवा पाए। आज उनके बुढ़ापे की लाठी बढ़ने का काम हमने करा है, इसीलिए हम किसान आंदोलन में बड़ी मजबूती के साथ लड़े। पूरे हिंदुस्तान में 4,000 से ऊपर विधायक थे काले कानूनों के खिलाफ। आपका बलवान पूनिया जिस तरीके से बोला, पूरे हिंदुस्तान के विधायक ऐसे नहीं बोल पाए। उसका परिणाम ये था कि जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे में किसानों के संगठनों ने हमारी बात को घर घर तक, किसान किसान तक पहुंचाया, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। हमने ललकारा मोदी और शाह को, जल जंगल जमीन नहीं जाने देंगे, सीने में गोली खाएंगे पर धरती नहीं जाने देंगे। ये धरती बचाने की, ये जमीन बचाने की, ये जमीन बचाने की, ये फसलें बचाने की, ये नस्लें बचाने की लड़ाई। इस लड़ाई में हम मजबूती के साथ कूद पड़े। मैंने मेरे 14 वीरानी गांव के लिए नहीं सिर्फ नहर का शिलान्यास करवाया है, आज कह रहा हूं बरानी क्षेत्र के लोगों, आपकी नहर 2023 की 16वीं विधानसभा में आपका भलवान फिर जाएगा, आपकी नहर आएगी, फुहारे चलेंगे, फुहारे चलेंगे। मैं कह रहा हूं मेरी छाती के ऊपर से नहर लेकर के आऊंगा, चाहे मेरे शरीर को होम करना पड़े, पर आपके इलाके में भी कोयल बोलेगी, आपके इलाके में भी फसलें ले लाएंगी। मैं कहना चाहता हूं जो खट्टर के लोग हमारी नहरों को 6 महीने से डिस्टर्ब कर रहे थे भाजपा को भाजपा से जिताने के लिए, उनके इरादे नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। किसान शाणा बहुत है, किसान समझता है कि 6 महीने से हरियाणा बदमाशी कर रहा है, ये बदमाशी आज से बंद हो जाएगी। मैं आपसे वादा चाहता हूं 25 तारीख शाम 6 बजे तक बूथ मत छोड़ना, एक एक वोट डलवाना, दुश्मन को कमजोर मत समझना। दुश्मन हार जाएगा, परास्त हो जाएगा, लेकिन सुकून से हरा के लाएंगे, ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। हमारी लड़ाई का, हमारे जश्न का तभी मजा आएगा जब हम उसको स्कूल से हरा के लाएंगे, हनुमानगढ़ की गिनती से हरा के लाएंगे। चल से हम करेंगे, आंदोलन हम करेंगे, बीमा हम दिलवाएंगे, कॉलेज हम खुलवाएंगे, नहरें हम बनाएंगे, सड़कें हम बनाएंगे, और रसगुल्ले बाबूजी खाएंगे, ऐसे कैसे खाएंगे। बाबूजी
आपका पिछली बार 2018 में शटर डाउन करेगा हमने जनता से ऐलान करा, जनता ने आपका शटर डाउन तो करा पर गलती से एक ताला लगाना भूल गए, दोनों ताले लगाने अब की बात, दोनों गलती थोड़ा का बटन दबा दो, बाबूजी के साथ साथ जयदीप का भी परमानेंट। क्या सोच लिया ये जनता डर जाएगी, वो आपको समझते नहीं, वो आपको गिनते नहीं, वो हजार हजार वोटों की गंठड़ी आपको समझ रहे थे कि आप बलवान से नाराज हो, वो गंठड़ी ये समझती थी कि हम वोटों के धनी। दोस्तों धनी कौन, वोट का धनी किसान, वोट का धनी दलित, वोट का धनी अल्पसंख्यक, वोट का धनी 36 बिरादरी। मेरे पास एक वोट है सुनीता, मेरे लिए दूसरा वोट की हां भर के आपसे वोट मांग के गई। हमने 2018 में वो गंठड़ी पाड़ने का काम करा, अब आप और हम मिलकर के जो हजार हजार वोट एक जने का गिनाते हैं वो गंठड़ी परमानेंट दलती मार के पाड़ दो, जनता खुली हो जाएगी, जनता की दूसरी की आजादी की लड़ाई कामयाब हो जाएगी। मैंने मुंशी बाई इलेक्शन में कहा था बाबूजी जीवों को हमने हरा दिया, वो हमें नहीं हरा सकते। दोस्तों 5 साल सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक मैंने काम करा है, मैं चाहता हूं कि मुझे एक काम करने का मौका आप दो। आज मैं फकर के साथ कह सकता हूं कॉमरेड सीताराम येचुरी, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 1650 करोड़ फसल बीमा क्लेम पिछले 5 साल में आया है, तब ये किसानों का हुजूम आया है, आपके बलवान के साथ ये हुजूम आया है। कॉमरेड साहब मैं आपको बता दूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले 5 साल में केसीसी के किसी किसान के कुर्की का नोटिस नहीं आने दिया हमने, हमने ऐसी पाबंदी रखी। हमारे यहाँ रिवाज थी कॉमरेड साहब, हमारे यहाँ रिवाज थी कि पुलिस के नाके लगते थे, लोगों के चालान काटते थे, लोगों की जेब पाटते थे। हमने पिछले 5 साल में किसी भी जगह पर पुलिस के नाके नहीं लगने दिए और थानों में पुलिस के दलाल नहीं छोड़े, जिससे जनता आसान हो गई, जनता को मजे आने लगे। दोस्तों पिछले 5 साल के अनुभव को साथ जोड़ते हुए अगले 5 साल और मजे कराएंगे, आपको चैन की बंसी बजाएंगे। चाहे मोटरसाइकिल का आदमी होगा, हेलमेट उसके पास होगा, उसका कभी चालान नहीं होगा। आरसी ये आपकी बलवान पुनिया, आपकी आरसी बनकर के काम करेगा। मुझे बाबूजी कह रहे थे एक दिन, बाबूजी कह रहे थे एक दिन कि मैं 20-20 खेलना चाहता हूं। बाबूजी हम दंगल खेलना चाहते हैं, दंगल आ जाए। तुम 20-20 जानते हो, हम दंगल खेलना चाहते हैं, आ जाइए दम तो चैलेंज, हम दंगल खेलेंगे। पिछली बार 9:30 बजे हराया था, अब की बार 9 बजे हराएंगे। क्या सोच लिया था गरीब घर का छोरा है टूट जाएगा? बाबूजी पेड़ समझते थे हमें, हम पेड़ ना है, हमें तू जितनी काटोगे उतनी फलेगी, ये देखो पेड़ नहीं, मैं पेड़ नहीं बनना चाहता, मैं तो खुद तुम्हारी छांव में रहना चाहता, मैं पेड़ नहीं बनना चाहता, मैं बरगद नहीं बनना चाहता, मैं कॉमरेड हूं, आपका साथी बनना चाहता हूं, मैं रफीक का भी साथी बनना चाहता हूं, मैं राजदेव का भी साथी बनना चाहता हूं, मैं भाई बनना चाहता हूं उस बहन का जिसको चिंता है कॉलेज की, जिसको चिंता है स्कूल की, जिसको चिंता है अपने बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूल की। मैं भाई बनना चाहता हूं उस बहन को जिसको चिंता है फसल बीमा क्लेम की, जिसको चिंता है कुर्की की, जिसको चिंता है फसलों के दाम की, जिसको चिंता है आने वाले नस्लों के भाव की। मैं भाई बनना चाहता हूं उस बहन का जो बहन समाज के लिए मर मिटे, समाज के लिए चिंता करे,
मैं उस बहन का भाई नहीं हो सकता जो सिर्फ अपने पेट की चिंता करे, दूसरों की चिंता न करे। माफ करिएगा बहन, मैं उस बहन का भाई कदापि नहीं हो सकता जो सिर्फ खुद के लालच में डूब जाए। मेरी लाखों बहनें, मेरे देश के आज भी 125 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। जब तक धरती पर भूख रहेगी तब तक अशांति रहेगी। अशांति में हम बदलाव देखेंगे। बदलाव अदानी और अंबानी के पक्ष में नहीं होंगे, बदलाव किसान और मजदूर के पक्ष में होंगे। मैं इस जलसे में एक तो धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे कहने से ओपीएस भी लागू करा और चिरंजीवी योजना में लोगों के लिए सुविधा बढ़ाई ताकि मेरा गरीब कोई बिना इलाज के नहीं सोए। दोस्तों, मैं तो आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर बलवान पूनिया एमएलए जीता, भादरा में एक कॉलेज की कमी रह गई, फार्मेसी, ये आपका नर्सिंग कॉलेज खुलाऊंगा, भादरा के चारों तरफ बाईपास बनाएंगे, हर सरकारी स्कूल में सौर ऊर्जा लगाएंगे और जो भी सरकारी स्कूल की लैब है सब लैबों में एयर कंडीशन लगाएंगे। गरीब का बेटा और बेटी भी ये महसूस करे कि हम भी इस दुनिया के पार्ट हैं, हम भी इस दुनिया के हिस्से हैं। मेरे पास शहर के लिए हमने बहुत काम करा है, लेकिन फिर भी अभी पानी निकासी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 20 करोड़ रुपए की लागत से शहर की पानी निकासी का पुख्ता प्रबंध करेंगे और ड्रेनेज बना करके शहर का बरसाती पानी निकालने का काम करेंगे। हम अमन चैन भाईचारे के लिए लड़ेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए लड़ेंगे, हम अजान और आरती गुरबानी के लिए और प्रार्थना के लिए बात करेंगे। हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप आए, आप सबका धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ 25 तारीख शाम 6 बजे तक आप बूथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक वोट पोल कराएंगे और हमें सोलहवीं विधानसभा में भिजवाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो हाथ खड़े करके लाखों लोग समर्थन कराओ, बलवान पूनिया सोलहवीं विधानसभा में जाएगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय जनता, जय भादरा, थैंक यू। धन्यवाद साथियों। तो नारायण, हम बलवान, सब बलवान, तुम बलवान, हम बलवान, सब बलवान, जय बलवान। मजबूत नेता, खुले दावत, मिशन 2023, आपका बलवान पूनिया जिंदाबाद। सभी शांति से जाएंगे, ईमानदारी से जाएंगे और कोई रास्ते में टाइम लगे तो कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करेंगे। धन्यवाद साथियों। हेलो, तमाम साथी आराम से जाएंगे। जहाँ जहाँ पार्किंग व्यवस्था जिन साथियों की लगी हुई है वो पार्किंग व्यवस्था तमाम महिला साथियों के लिए आराम से लेकर जाएंगे। आप तमाम साथी इस महारैली का हिस्सा बने, आप तमाम साथी बलवान पूनिया के हिस्सा बने, आप तमाम साथी लाल झंडे के हिस्सा बने। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथी आए, आपने 2023 में भगवान भूया को फिर से भेजने का काम राजस्थान की विधानसभा में कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों 25 तारीख शाम 6 बजे तक तमाम साथी इनकलाबी नारे के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि हमें 25 तारीख शाम 6 बजे तक तमाम साथियों का मतदान करके उसके बाद हमारा से 9 तारीख का विजय। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच के ऊपर आए, आप सभा में आए, धन्यवाद साथियों। एक कोई मोट सलाम भाई को फोन पड़ गयो के मिले तो दे दियो, मिल गयो, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मान सिंह हो, मान सिंह ने फोन दे दियो, मैंने कोई दे गयो मान सिंह चबरवाल को, वो माइक बंद कर दे भैया। हाँ,